एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज आप लोगों के साथ कुछ प्लांट्स शेयर करने वाले हैं जिन्हें आप पानी में इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें आप पानी में इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट एक बहुत ही शुभ पौधा है जो कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। हर घर में मनी प्लांट होना ही चाहिए। तो मनी प्लांट की सारी वेराइटीज़, पोथोस की सारी वेराइटीज़ आप कटिंग के थ्रू पानी में बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। आप रूट्स देख रहे हैं कितने अच्छे से डेवलप हो गए हैं। तो बस आपको करना क्या है कि नोड एरिया से कटिंग लेनी है और उसे पानी में लगाना है। एक सिंगोनियम की भी कटिंग आपको दिख रही होगी, वो भी इसी में डाल दिए हैं। तो ये फिश बाउल मेरे पास रखा हुआ था ऐसे ही, तो हम सोचे क्यों ना इसी में ये मनी प्लांट ग्रो किया जाए। छोटी सी कटिंग लगाए थे और उससे ये देखिए आप कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है मनी प्लांट की। और इसके बाद आप चाहें तो मनी प्लांट को मिट्टी में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कई बार जब हम मनी प्लांट की कटिंग, दो चार कटिंग मिट्टी में लगाते हैं तो एक आध तो सूख ही जाती है, लेकिन जब आप इस तरीके से पानी में लगाने के बाद आप मिट्टी में रिपोर्ट करते हैं तो आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती, वो अच्छे से चल जाती है। इसके बाद ये देखिए एक छोटा सा और बाउल है, इसमें दो तीन वेराइटीज़ आपको दिख रही होंगी। पर्पल हार्ट है, वंडरिंग ज्यू है और बॉट लिली है। तो ये सारी कटिंग देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं। तो इन प्लांट्स को भी आसानी से आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। और पर्पल हार्ट का कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है, गार्डन में एक अलग ही लुक देता है। तो आप पानी में भी इसे ईजिली ग्रो कर सकते हैं, बोट लिली को भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। साथ ही ये वंडरिंग ज्यू, इनमें छोटी छोटी सी एरियल रूट्स होती हैं जिससे कि ये आसानी से पानी में ग्रो हो जाता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इस छोटे से बाउल में आप देखिए कि दो तीन वेराइटीज़ कटिंग की लगी हुई है जो कि देखने में बिल्कुल एक फ्लावर पॉट जैसा लुक दे रहा है, क्योंकि इनमें तीन चार वेराइटीज़ की आप कटिंग देख रहे हैं। वंडरिंग ज्यू है, बोट लिली है और पर्पल हार्ट है। तो ये देखिए नेक्स्ट प्लांट, ये भी एक मनी प्लांट की कटिंग है जो कि एक अलग से बॉटल में लगा के रखे हुए हैं। और इसकी भी आप ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है और रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, कटिंग बहुत अच्छी चल रही है। तो मनी प्लांट तो हर घर में होता ही होता है, और अगर नहीं है तो आप ज़रूर लगाइए मनी प्लांट। ये बहुत ही शुभ पौधा है, ये हर घर में होना ही चाहिए। मनी प्लांट की कटिंग जब भी लगाएं तो नोड एरिया जरूर, अगर आप पानी में लगा रहे हैं तो पानी के अंदर जाना चाहिए, और अगर मिट्टी में लगा रहे हैं तो मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रूट डेवलप हो रहे हैं और प्लांट की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और ये एक और पोथोस की वेराइटी है, ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। मनी प्लांट की जितनी भी वेराइटीज़ हमारे पास है वो मिट्टी में भी लगा के रखे हुए हैं और इस तरीके से पानी में भी ग्रो करके रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हो रहे हैं और साथ ही नए नए लीव्स भी आ रहे हैं और हमारे इंडोर को एक अच्छा सा लुक देते हैं, क्योंकि ग्रीनरी जहाँ हो वहाँ अपने आप ही एक सुकून सा आता है। इसके बाद देखिए कि ये ग्लास है कांच का, इसमें भी तीन प्लांट्स की कटिंग एक साथ लगा के रखे हैं। एक तो है गोल्डन पोथोस, दूसरा है स्विस चीज़ मनी प्लांट और तीसरा है ये पर्पल हार्ट। तीनों की कटिंग एक साथ लगा के मिक्स एंड मैच करके इस तरीके से रखे हैं और तीनों की ही कटिंग की ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके जब आप प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं ना तो वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो आप चाहें तो सिंगल सिंगल प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हैं, और अगर इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लुक आता है। और अगर जो कटिंग आप लगाते हैं तो जो एरिया पानी के अंदर जाता है तो उसमें लीव्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, एक ही इसमें पत्ती थी तो वो हम हटा दिए हैं। तो जब भी पानी के अंदर जो कटिंग आप लगाते हैं तो वो पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर गलना शुरू हो जाती हैं और कटिंग को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, गलेंगी सड़ेंगी, पानी भी ख़राब होगा तो कटिंग भी ख़राब होगी। इसलिए जब भी कटिंग लगाएं तो जो कटिंग वाला, जो पानी में जो कटिंग का एरिया जाएगा उसमें पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए छोटा सा नोड एरिया है, इसमें कोई भी
लीव्स नहीं है, कुछ नहीं है, इसको भी इस तरीके से थोड़ा सा राउंड करके हम इस ग्लास में रख देंगे और इसमें भी जो ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाएगी। ये पोथोस की ही कटिंग है तो इसी में लगा देते हैं। मेरी एक आदत है कि अगर हमारे गार्डन में कुछ भी लगा हुआ है और वो मतलब ख़राब नहीं हुआ है, जैसे सूखा नहीं है या सड़ नहीं रहा या कुछ, तो हम उस चीज़ उस पौधे को उस प्लांट की कटिंग को हम फेंकते नहीं हैं, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं उनको जगह ज़रूर देते हैं। तो ये देखिए ये सारी कटिंग्स इतने अच्छे से ग्रो कर रही हैं। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे आप लोगों के साथ ये शेयर करना, लेकिन नहीं हो पा रहा था, फाइनली आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए छोटा सा हाजमोले का जार है जिसमें कि आप फिर से देख सकते हैं कि 2-3 कटिंग्स लगी हुई हैं। तो इस छोटे से जार में आप देख सकते हैं कि पर्पल हार्ट की एक छोटी सी कटिंग लगा के रखे हैं, ड्रेसिना की छोटी सी कटिंग लगा के रखे हैं, साथ ही स्नो वाइट एग्लोनिमा है जिसकी कटिंग लगा के रखे हैं। और तीनों की तीनों बहुत अच्छे से चल रही हैं, रूट्स इनमें डेवलप हो चुके हैं आप देख सकते हैं, और बहुत ही क्यूट लगता है। बिल्कुल छोटे से इस जार में ये तीनों प्लांट्स इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके लगाए हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो मेरा एक ये है कि सिंगल सिंगल लगाने से अच्छा मिक्स एंड मैच करके अगर आप प्लांट्स को इस तरीके से पानी में लगाते हैं तो वो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और उसके बाद ये मेरा मिनी सिंगोनियम, तो ये बिल्कुल हाजमोला की जो छोटी वाली बॉटल आती है ना उसमें ये प्लांट लगा के रखे हैं। ये क्यूट सा छोटा सा कंटेनर है, इसमें ये छोटे से सिंगोनियम की कटिंग है जो कि बहुत अच्छे से चल रही है, और इनमें छोटी छोटी पत्तियां हैं जो कि बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये बहुत ही क्यूट सा DIY प्लांटर किटी फेस वाला जो कि वाटर बॉटल से तैयार किए हैं, तो पेंट करके इसको तैयार किए हैं जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल से ये कोलियस की कटिंग लगा के रखे हैं, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है और इसमें रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो गए हैं। और रूट्स जब अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो इन्हें आप मिट्टी में रिपॉट कर सकते हैं, तो ये कटिंग ख़राब बिल्कुल नहीं होती है और ईज़िली ग्रो हो जाती है। तो पानी और मिट्टी दोनों में ही ये कोलियस की कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए एक और ये वाटर बॉटल है जिसे पेंट करके इस तरीके से फेस तैयार की है, और ये दोनों ही इतने क्यूट लगते हैं देखने में, और इनमें भी देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी है रूट्स की। तो इस तरीके से आप कोलियस की कोई भी कटिंग पानी में ईज़िली ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी से इनमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है वो है एरोहेड प्लांट, सिंगोनियम का प्लांट। इसे भी आप आसानी से पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं, और सिंगोनियम के प्लांट में बहुत ही लंबी लंबी सी एरियल रूट्स होती हैं, तो आप सिंगोनियम के प्लांट को पानी में कटिंग के थ्रू बहुत ही ईजली ग्रो कर सकते हैं नोड एरिया से। नोड एरिया को आपको पानी में डालना है और आसानी से आपके जो ये सिंगोनियम की कटिंग है वो अच्छे से ग्रो होती है और इनमें रूट्स भी डेवलप होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो सिंगोनियम की जो भी वेराइटी है आप आसानी से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और जब इनमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो उसके बाद आप इसे मिट्टी में भी ईजली रिपॉट कर सकते हैं। आज जितनी भी कटिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ये सारी कटिंग्स नॉर्मल टैप वाटर में मैंने लगाया है, और सारी कटिंग्स बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप भी अपने घर में आसानी से इन प्लांट्स की कटिंग को पानी में ग्रो कर सकते हैं और अपने इंटीरियर को एक अलग ही लुक दे सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स के साथ ना घर का लुक बिल्कुल अलग ही आता है, एक पॉजिटिविटी सी आती है घर में और एक बिल्कुल डिफरेंट लुक होता है। तो गार्डनिंग करते हैं तो इस तरीके से आप भी प्लांट्स की कटिंग पानी में ज़रूर ग्रो करके देखिए, और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है जो कि आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट
प्लांट की जो कटिंग है वो है पेडिलेंथस की कटिंग। और इसकी कटिंग भी देखिए बहुत अच्छे से चल रही है और रूट्स इसमें भी डेवलप हो चुके हैं। और इनकी कटिंग आप पानी और मिट्टी दोनों में ही लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये चल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट की कटिंग है लकी बैम्बो प्लांट की, तो इनकी कटिंग अलग अलग बॉटल्स में हम लगा के रखे हुए हैं और सारी बहुत अच्छी कंडीशन में, सब में रूट्स भी बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं। और ये लकी बैम्बो आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं। ये सभी को पता है कि लकी बैम्बो एक बहुत ही अच्छा लकी इंडोर प्लांट है, तो इसे पानी में ग्रो कर सकते हैं आप आसानी से। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो अलग अलग बॉटल्स में इनको हम लगा के रखे हैं और इन्हें लगाए हुए करीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से अभी भी चल रहे हैं और इनको हम पानी में ही रखने वाले हैं। बस छोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हैं जिससे कि जितनी भी मेरे ये कटिंग्स जो पानी में हम लगा के रखे हैं वो बहुत अच्छे से चल जाती हैं। तो कटिंग्स में देखिए कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी लकी बैम्बो प्लांट की कटिंग पानी में लगा सकते हैं और कॉर्नर वगैरह पे रखिए। इस तरीके से लंबी लंबी स्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, इनमें नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं। और बाकी आपके सामने है कि कितने अच्छे से प्लांट चल रहे हैं सारे। यहाँ पे लकी बैम्बो की जो कटिंग का यूज़ किए हैं वो लंबी लंबी स्टिक का यूज़ किए हैं हम। आप चाहें तो छोटी छोटी कटिंग्स भी लगा सकते हैं और जो नोड एरिया है वहीं से देखिए आप सारे रूट्स डेवलप हुए हैं और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, नए नए लीव्स भी आना शुरू हो गई इनमें। तो वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको छोटी कटिंग लगानी है या बड़ी इस तरीके की स्टिक लगानी है। छोटी कटिंग आप लगाएंगे तो मार्केट से जो हम लकी बैम्बो का छोटा कंटेनर लेके आते हैं वैसा लुक आएगा, और अगर आप बड़ी स्टिक लेके कटिंग लगाते हैं तो इस तरीके का लुक आएगा। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने इन प्लांट्स की कटिंग को पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं। और सिंपल सा एक ट्रिक है, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं यूज़ किए हम। सिंपली सारे प्लांट्स की कटिंग को नॉर्मल टैप वाटर में लगाया है मैंने। उसके बाद प्लांट्स को लगाने के बाद आपको सेमी सेड एरिया में रखना है और सारे प्लांट्स को आप ब्राइट लाइट में रखिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल मत रखिए। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप भी अपने इन प्लांट्स की कटिंग को आसानी से पानी में लगा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।